नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही आगे जानेंगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खासतौर से बात करेंगे मूंग, काली मिर्च, हल्दी, तिल और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। राजकोट मंडी में 100 रुपए गिरा मूंग का बाजार भाव। खातेगांव मंडी में 7,320 रुपए पर बिकी मूंग। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मूंग के बाजार से। बता दें आपको कि चालू खरीफ सीजन में मूंग की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। अब तक खरीफ मूंग की खेती 26,12,000 हेक्टेयर में हो पाई है। वहीं अगर हम बात करते हैं इसकी आवक की, तो इन दिनों कृषि उपज मंडियों में मूंग की आवक सामान्य बनी हुई है। तो किस तरह से हो रहा है मूंग के बाजार में कारोबार, दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में मूंग की आवक सामान्य है। भाव की बात करें तो गुरुवार को मथुरा मंडी में मूंग के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं राजकोट, खातेगांव और चौबेपुर मंडी में मूंग के भाव में नरमी रही, जबकि बंगलुरु मंडी में इस दौरान मूंग के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 26 जुलाई को मूंग का भाव रहा 7,850 रुपए। 27 जुलाई को इसके भाव 100 रुपए टूटकर 7,750 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। हालांकि कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में इन दिनों बीते दो दिनों के दौरान मूंग के भाव स्थिर रहे। यहां 26 और 27 जुलाई को मूंग का भाव 10,800 रुपए रहा। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में मूंग के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 26 जुलाई को मूंग का भाव था 7,496 रुपए। 27 जुलाई को इसके सौदे 176 रुपए लुढ़ककर 7,320 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की मथुरा मंडी में 26 जुलाई को मूंग का भाव रहा 8,040 रुपए। 27 जुलाई को इसके सौदों में 10 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 8,050 रुपए प्रति क्विंटल पर। जबकि राज्य की ही चौबेपुर मंडी में मूंग के भाव में सुस्ती देखने को मिली। यहां 26 जुलाई को मूंग का भाव था 7,620 रुपए। 27 जुलाई को इसके सौदों में 400 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव हो गया 7,220 रुपए। घरेलू स्तर पर इस साल कुल मूंग की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान मूंग की पैदावार 37,40,000 टन होने की उम्मीद है, जो कि बीते साल के समान अवधि के दौरान 31,66,000 टन रही थी। बता दें कि चालू खरीफ सीजन में मूंग की बुआई देश भर के ज्यादातर राज्यों में हो रही है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक खरीफ मूंग की खेती बीते साल से पीछे चल रही है। साल 2023 के लिए 25 जुलाई को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार मूंग की खेती 26,12,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मूंग की बुआई 26,67,000 हेक्टेयर में हुई थी। तो जाना आपने मूंग के बाजार में किस तरह से हो रहा है कारोबार, आगे किस तरह की परिस्थितियां रह सकती हैं, इस पर जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल जी का। हमारे साथ फोन लाइन पर वो जुड़ चुके हैं। साहिल जी, सबसे पहले तो स्वागत आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे मूंग के बाजार की अगर हम बात करते हैं तो मौजूदा हालात को देखते हुए आगे हम किस तरह का अनुमान लगाएं। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम मूंग के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो मूंग के अंदर हमें मिला जुला रुख देखने को मिला था। मंडियों के अंदर आवक जो है पिछले वर्ष के मुकाबले हमें सामान्य रूप से होते हुए दिखाई दे रही है। घरेलू मांग की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमें एक आंशिक बदलाव देखने को मिला जो 2-4% तक के बीच में रहा था। निर्यात के अंदर भी जो है लगभग हमें 5-7% तक का सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। गवर्नमेंट की MSP पॉलिसी का भी लगातार जो है मूंग के किसानों को फायदा मिलता हुआ दिख रहा है, इसलिए आने वाले समय में मूंग के अंदर जो है तेजी जारी रही। बिल्कुल, तो जैसे आपने कहा कि आगे आने वाले समय में तेजी का माहौल बना रह सकता है, तो ऐसे में हमारे किसान किस तरह के कदम उठाएं जिससे फायदा मिले।
बिल्कुल किसान भाई बहनों को मैं मूंग में तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। आने वाले समय में सीजनल डिमांड अच्छे से निकलने की उम्मीद जताई जा रही है। जी फिलहाल अगस्त सितंबर के लिए 150 से 200 रुपए तक की तेजी आ सकती है और अगर मांग में मजबूती बनी रहती है तो ये जो तेजी है लगभग 250 से 300 रुपए तक जा सकती है। बिल्कुल, तो क्या करना है ऐसे में मूंग के किसानों को, अभी आपने जान लिया। और साथ ही साहिल जी आपसे गुजारिश, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों का। 1,66,000 टन के पार पहुंचा हल्दी का निर्यात, बंगलुरु मंडी में 9,400 रुपए पर बिकी हल्दी। कुल मसालों का निर्यात 31 लाख टन के पार, कल पेटा मंडी में 55,000 रुपए रहा काली मिर्च का बाजार भाव। आइए बुलेटिन में बात करें हल्दी के बाजार की। बताएं आपको कि भारत दुनिया में हल्दी के सबसे बड़े उत्पादक और निर्यातक देशों में से एक है। दुनिया का करीब 60% प्रतिशत हल्दी का निर्यात केवल हमारे देश भारत से ही होता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। इस साल देश से होने वाले हल्दी के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। बता दें आपको कि किस तरह से कारोबार हो रहा है, किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं, इसके लिए दिखाते हैं आपको हमारी ये विशेष रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों हल्दी की आवक सीमित बनी हुई है। गुरुवार को इक्का दुक्का मंडियों में ही हल्दी बिकवाली के लिए पहुंची। हाजिर भाव की बात करें तो एग मार्क नेट के अनुसार कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में 24 जुलाई को हल्दी का भाव रहा 9,400 रुपए। 27 जुलाई को इसके सौदों में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला और भाव 9,400 रुपए पर बना रहा। हल्दी के निर्यात पर नजर डाले तो भारत दुनिया में हल्दी के सबसे बड़े उत्पादक और निर्यातक देशों में शामिल है। दुनिया का करीब 60% हल्दी का निर्यात केवल भारत ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करता है। इस साल देश से होने वाले हल्दी के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। बीते साल के मुकाबले साल 2022-23 के दौरान हल्दी के निर्यात में 10% का इजाफा हुआ है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान भारत ने हल्दी का निर्यात 1,53,442 टन का किया था, जो साल 2022-23 के दौरान 13,257 टन बढ़कर इस साल 1,66,000 टन के पार पहुंच गया है। बता दें कि भारत हल्दी का निर्यात फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अलावा दूसरे कई राज्यों में करता है। भारत में हल्दी की सबसे ज्यादा खेती आंध्र प्रदेश में होती है, इसके बाद ओडिशा और तमिलनाडु का स्थान आता है। महाराष्ट्र में भी हल्दी की खेती होती है। आंध्र प्रदेश का देश के हल्दी उत्पादन में करीब 40% का योगदान है। इसके अलावा केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मेघालय, असम में भी हल्दी की खेती की जाती है वहीं हल्दी की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल हल्दी की उपज में बढ़त हो सकती है। साल 2021-22 के दौरान देश में हल्दी की उपज में 10% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश भर में हल्दी की पैदावार 13,31,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल। तो रिपोर्ट के जरिए जाना आपने हल्दी के बाजार का हाल, और आगे की परिस्थितियों का जायजा लेने के लिए रुख करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। साहिल जी, हल्दी के बाजार के बारे में अब हम आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। अगर हम आगे आने वाले समय की बात करते हैं तो किस तरह की संभावनाएं हैं इसके बाजार भाव को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम हल्दी के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हल्दी के जो फंडामेंटल है मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं उत्पादन जो है पिछले वर्ष की अपेक्षा अच्छा होता हुआ दिखाई दिया है। घरेलू मांग के अंदर भी जो है लगभग 5% तक की वृद्धि हमें देखने को मिली है। यही अगर हम निर्यात की ओर देखते हैं तो निर्यात मांग के अंदर भी लगभग 10 से 15% तक की मजबूती हमें देखने को मिली है। आने वाले समय में सीजनल डिमांड भी जो है अच्छी निकल कर आने की उम्मीद जताई जा रही है। बिल्कुल, तो देखा आप, जैसे आप कह रहे हैं कि यहाँ पर अच्छा निर्यात बना हुआ है, मांग अच्छी बनी हुई है, जिसके चलते मजबूती का दौर आगे देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में हमारे किसान थोड़ा सा इंतजार करके चले, फायदा रहेगा उन्हें।
बिल्कुल किसान भाई बहन हल्दी के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। अगस्त सितंबर के दौरान हो सकता है हमें 150 से 200 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी। और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं नवंबर दिसंबर तक का इंतजार कर सकते हैं तो हल्दी के अंदर जो तेजी है 350 से 400 रुपए तक आ सकती है। बिल्कुल, तो थोड़ा सा इंतजार दिलवा सकता है और भी मजबूत दाम, तो हमारे किसान जरूर यहाँ पर इंतजार करके चले। बात हो गई हल्दी की, बढ़ते हैं आगे। अब नजर डालते हैं कपास के बाजार भाव पर और सबसे पहले बताएंगे आपको गुजरात की धूल मंडी का हाल। तो कपास का जो बाजार भाव है 6020 रुपए प्रति गांठ दर्ज किया गया। और इसके साथ ही आपको बता दें कि मोरबी मंडी का हाल आपको बताते हैं, तो देख सकते हैं 6500 रुपए प्रति गांठ यहां पर इसकी बिकवाली हुई। जामनगर मंडी का जिक्र करते हैं तो देख सकते हैं 6650 रुपए प्रति गांठ यहां पर इसका जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया है। तो कपास के बाजार भाव का हाल आपने जाना। बता दें ये जो बाजार भाव की जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। इसके साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर, देखते रहिए मंडी खबर। कहां होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहां रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति, जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे रागी के बारे में, लेकिन आइए पहले बात करते हैं जौ के बाजार की। जानकारी दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को जौ की जो आवक है बिल्कुल सामान्य सी दर्ज की गई। बात हम इसके हाजिर भाव की करते हैं तो एगमार्क नेट के अनुसार राजस्थान की जो सूरतगढ़ मंडी है यहाँ पर जौ का बाजार भाव रहा 1615 रुपए प्रति क्विंटल। इसके साथ अगर हम जयपुर मंडी का हाल आपको बताएं तो सौदे हुए 1595 रुपए प्रति क्विंटल पर। और उत्तर प्रदेश की मथुरा मंडी में धारा जौ की बिकवाली हुई 2150 रुपए प्रति क्विंटल पर। जबकि राज्य की शामली मंडी का हाल बताते हैं आपको तो जौ की बिकवाली दर्ज की गई 2255 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब हम बात करते हैं जौ की उपज की, तो इस साल रबी जौ की पैदावार बीते साल के जो मुकाबले है ज्यादा हो सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक रबी जौ की उपज साल 2022-23 के दौरान 16,87,000 टन होने का अनुमान है। जबकि अगर हम साल 2021-22 की बात करते हैं तो इस दौरान रबी जौ की पैदावार 13,71,000 टन रही थी। यानी कि इस साल रबी जौ की उपज में 3,16,000 टन की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है जिसका असर जौ के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो साहिल गोयल जी लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं, एक बार फिर उनका रुख करते हैं, जौ के बाजार का हाल जानते हैं। साहिल जी क्या कहना चाहेंगे आप जौ के बाजार को लेकर, आगे किस ओर नजर आ सकते हैं इसके बाजार भाव? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम जौ के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि इस वर्ष के शुरू से ही जौ के अंदर तेजी का रुख बना हुआ है। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि उत्पादन भी जो है पिछले वर्ष की अपेक्षा में अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी मुख्य वजह यही थी कि पिछले वर्ष अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें अच्छी फसल देखने को मिली। इसी कारण जो है लगातार जौ को जो है निचले स्तरों से भी सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। घरेलू मांग की भी बात करते हैं तो उसमें भी हमें 5% तक का एक सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि निर्यात मांग में एक आंशिक सुधार ही देखने को मिला है जो 2 से 4% तक के बीच में है। ओवरऑल फैक्टर्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जौ के अंदर जो तेजी है जारी रहेगी। बिल्कुल, जौ के अंदर जो तेजी है उसका माहौल आगे भी बना रह सकता है। तो ऐसे में हमारे किसान जिनके पास स्टॉक रखा हुआ है उन्हें आप क्या सलाह देंगे? बिल्कुल किसान भाई बहन जो के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। अगस्त सितंबर के दौरान हमें 80 से 100 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी और अगर आगे मांग में सुधार होता है तो ये जो तेजी है लगभग 150 से पौने 200 रुपए क्विंटल तक जा सकती है।
बिल्कुल, तो तेजी का माहौल अनुमानित है, ऐसे में हमारे किसान इंतजार करके और निगरानी बनाकर जरूर चलें। जौ के बाद आइए अब एक नजर बाजरे के बाजार भाव पर। गुजरात की राजकोट मंडी का जिक्र करेंगे तो देसी बाजरा यहां पर बिका 2000 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि आप देख सकते हैं मोरबी मंडी का हाल, यहां पर सौदे 2310 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। वहीं दीसा मंडी की जानकारी आप तक पहुंचाएं तो 2200 रुपए प्रति क्विंटल पर बाजरे की बिकवाली इस मंडी में दर्ज की गई। तो बाजरे के बाजार भाव की जानकारी हमने आप तक पहुंचाई, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। बाजरे के बाद आप बात करते हैं रागी के बाजार की। बताएं आपको कि चालू खरीफ सीजन में रागी की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय के साल 2023 के लिए 24 जुलाई को जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक रागी की बुआई 169,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि में रागी की बुआई 167,000 हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में रागी की आवक बिल्कुल सीमित सी नजर आ रही है। गुरुवार को कर्नाटक और तमिलनाडु की मंडियों में ही रागी बिकवाली के लिए पहुंची। इसके बाजार भाव की अगर हम बात करते हैं तो एगमार्क नेट के मुताबिक कर्नाटक की जो बंगलुरु मंडी है यहां पर रागी का बाजार भाव 4,250 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। वहीं अगर हम तमिलनाडु की मनालूर पेट मंडी की बात करते हैं तो रागी की बिकवाली 2,685 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज की गई, जबकि राज्य की ही कल्लाकुरिची मंडी का जिक्र किया जाए तो इस दौरान रागी के सौदे 3,108 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। ये जो बाजार भाव हमने आपको बताया ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। अब रागी की उपज पर नजर डालें तो इस साल खरीफ रागी की पैदावार बीते साल के मुकाबले कम हो सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ रागी की उपज साल 2022-23 के दौरान 15,97,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2021-22 के दौरान खरीफ रागी की पैदावार 17,01,000 टन रही थी। यानी कि इस साल रागी की उपज में 1,04,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर रागी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो किस तरह से प्रभावित होंगे रागी के बाजार भाव, जानकारी लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। साहिल जी, रागी को लेकर क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम रागी के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हमें पिछले सप्ताह में मिले जुले रुख देखने को मिले थे। इसके अलावा अगर हम इसके उत्पादन की ओर नजर डालते हैं तो इस वर्ष इसके उत्पादन में कमी दर्ज की गई है। अगर हम घरेलू मांग की भी बात करते हैं तो उसमें भी मुख्यतः 3-5% तक की गिरावट हमें देखने को मिली है। हालांकि फसल की जो क्वालिटी है वो पिछले वर्ष के मुकाबले हमें अच्छी आते हुए दिखाई दी है और ऐसा माना भी जा रहा है कि सीजनल डिमांड जो है अच्छे से निकल कर आएगी। बिल्कुल, तो आगे यहाँ पे तेजी का अनुमान है क्योंकि अच्छी मांग की भी यहाँ पर उम्मीद की जा रही है। तो ऐसे में रागी के जो किसान है उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह के कदम उठाएं? बिल्कुल, किसान भाई बहन रागी में तेजी करके चल सकते हैं। अगस्त सितंबर के दौरान हो सकता है हमें एक आंशिक तेजी देखने को मिले जो 20 से 40 रुपए क्विंटल के बीच में रह सकती है, और अगर भाव इसी तरीके से स्थिर रहते हुए ऊपर ट्रेड करते हैं और मांग में मजबूती देखने को मिलती है तो जो है रागी के भाव जो है लगभग 70 से 100 रुपए क्विंटल तक जा सकते हैं। बिल्कुल, तो रागी के किसान जरूर इंतजार करके चलें और मंडियों में निगरानी बनाकर चलें, आगे इसमें तेजी का अनुमान है जिसका फायदा उठाया जा सकता है। रागी के बाद अब एक नजर डालते हैं ज्वार के बाजार भाव पर, और देख सकते हैं आप कर्नाटक की बंगलुरु मंडी का हाल। ज्वार का जो बाजार भाव है यहां दर्ज किया गया 4,000 रुपए प्रति क्विंटल। इसके साथ ही अगर हम गुजरात की राजकोट मंडी की बात करते हैं तो यहां पर सौदे 4,600 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज किए गए हैं। वहीं ध्रोल मंडी का जिक्र करते हैं तो देख सकते हैं 4,835 रुपए प्रति क्विंटल इसका बाजार भाव दर्ज किया गया है। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं ज्वार के, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो जाना आपने मोटे अनाजों के बाजार के बारे में। इसके साथ रुक रहे हैं और छोटे से ब्रेक के लिए, आगे जानेंगे काली मिर्च और तिल का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन के किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। हर दिन एक नया गांव। आज कोलपुर गांव से बात कर रहे हैं, तो मौजूद है जिला टिहरी गढ़वाल में, पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर से आज की चर्चा दिखा रहे हैं। एक नई चौपाल, चौपाल पर लेकर चलेंगे हम, चौपाल चर्चा में पहुंच गए हैं। और एक नई चर्चा, किसान क्रेडिट कार्ड
योजना के बारे में, मत्स्य पालन पर बात करने वाले हैं। किसान खुद गिनाएंगे योजनाओं के फायदे। पहले के मुकाबले खेती में आमदनी बढ़ेगी, पहले के मुकाबले आमदनी दुगुनी तिगुनी हो गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभ मिल रहा है, इसे बहुत लाभ हो रहा है। कि प्रधानमंत्री जी की ये जो बनाई हुई योजना है ये कैसी है? किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है, मैं भी खुश हूँ। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान की मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए बुलेटिन में बात करते हैं काली मिर्च की। विश्व स्तर पर भारत को मसालों के उत्पादक और निर्यातक के रूप में जाना जाता है। यही वजह है कि भारतीय मसालों की खुशबू पूरी दुनिया में फैली हुई है। भारत के मसालों की मांग वैश्विक बाजार में साल दर साल बढ़ती ही जा रही है। देश से होने वाले कुल मसालों के निर्यात की बात करते हैं तो भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश से कुल मसालों का निर्यात 31,76,138 टन का हुआ है, जो बीते साल के मुकाबले 1,43,706 टन अधिक है। वहीं अगर हम बात करते हैं काली मिर्च की तो इस साल देश से होने वाले काली मिर्च के निर्यात में कुछ कमी देखने को मिली है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान कुल काली मिर्च का जो निर्यात है 72,686 टन का हुआ है, जबकि अगर हम बीते साल की समान अवधि की बात करते हैं तो काली मिर्च का जो निर्यात है 75,331 टन का हुआ था। फिलहाल इन दिनों कृषि उपज मंडियों में काली मिर्च की आवक बिल्कुल सीमित सी नजर आ रही है। गुरुवार को इक्का दुक्का मंडियों में ही काली मिर्च बिकवाली के लिए पहुंची। इसके बाजार भाव की बात करते हैं तो एगमार्क नेट के मुताबिक केरल की जो कालपेटा मंडी है यहां पर काली मिर्च का बाजार भाव 55,000 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। वहीं अगर हम पयनूर मंडी की बात करते हैं तो यहां पर सौदे 49,000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। कन्नूर मंडी का जिक्र किया जाए तो बाजार भाव 52,000 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। वहीं अगर हम राज्य की ही कांचनगढ़ मंडी की बात करते हैं तो काली मिर्च के सौदे 42,000 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज किए गए। तो अभी आपने जाना काली मिर्च के बाजार का हाल। निर्यात में हालांकि कुछ कमी जरूर है, ऐसे में हमारे किसान जो है मंडियों में निगरानी बनाकर चल सकते हैं। अगर आपको मजबूती नजर आती है बाजार भाव में, बिकवाली करके आप मुनाफा वसूली करिए। बढ़ते हैं आगे, तिल के बाजार की जानकारी अब आप तक पहुंचाते हैं। इस साल घरेलू स्तर पर तिल की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 में कुल तिल की जो पैदावार है 7,50,000 टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि साल 2021-22 के दौरान खरीफ तिल की उपज 7,89,000 टन रही थी। यानी कि साल कुल तिल की उपज में 39,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में तिल के बाजार भाव पर पड़ सकता है। बात अगर हम तिल की बुआई की करते हैं तो चालू खरीफ सीजन में तिल की जो बुआई का क्षेत्रफल है बीते साल के मुकाबले आगे चल रहा है। साल 2023 के लिए 25 जुलाई को जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक खरीफ तिल की जो खेती है 8,73,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान तिल की बुआई 7,20,000 हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल आपको बता दें कि इन दिनों कृषि उपज मंडियों में तिल की आवक बिल्कुल सामान्य सी नजर आ रही है। एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की रापर मंडी में तिल का बाजार भाव 11,525 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जबकि राजकोट मंडी में काले तिल का बाजार भाव 16,200 रुपए प्रति क्विंटल रहा। हलवद मंडी में सफेद तिल के सौदे 16,750 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए और राज्य की धोराजी मंडी में इस दौरान सफेद तिल के सौदे 17,480 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज किए गए। तो साहिल जी, अब आपसे हम तिल के बाजार का हाल जानना चाहेंगे, आगे किस तरह की परिस्थितियां यहां रह सकती हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम तिल के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि इस वर्ष के शुरू से ही तिल के अंदर तेजी का रुख बना हुआ है। घरेलू स्तर पर उत्पादन के अंदर लगभग 5-10% तक के बीच में कमी दर्ज की गई है।
लेकिन घरेलू मांग की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे हमें सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। घरेलू मांग में पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 8 से 10% तक का सुधार देखने को मिला है। निर्यात मांग के अंदर भी जो है हमें 5 से 7% तक का सुधार देखने को मिला है। इन ओवरऑल फैक्टर्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि तेल के अंदर जो तेजी है जारी रहेगी। बिल्कुल, तो तेजी का माहौल जारी रहेगा, ऐसे में हमारे किसान मंडियों में निगरानी बनाकर और थोड़ा इंतजार करके चल सकते हैं। साहिल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, आपने इतनी अहम जानकारियां साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो किसान भाइयों बहनों, आपने अलग अलग मंडियों का हाल जाना और इसी के साथ बताएं आपको आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। एक विशेष जानकारी आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रहे इस क्यूआर कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर और आप अलग अलग मंडियों का हाल जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। और इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।